बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जैसे कि बच्चों पता है कि हम लोग ने कल क्या हुआ था। कल बैटबाजी के मुकाबला का फाइनल राउंड था, ठीक है। अभी सबसे पहले मिस आज क्या करेंगे, पहले सारा रिवीजन करवा रही है मिस आपको। पेपर पैटर्न किस तरह करना है आपको, पेपर पेपर पैटर्न किस तरह होगा, सारा रिवीजन सब करवाएंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो दानिश और रिजा का जो हमने एक अब जो कल था वो फाइनल कर लेंगे आज, ठीक है। इतनी जल्दी क्लास बच्चे आएंगे तो जल्दी मुझे स्टार्ट करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो मुझे आपसे स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इट्स 36, 9:36 होने वाले हैं वो सब, ठीक है। चलें, आप देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आप लोगों ने जीरो टर्म में, पूरा जीरो टर्म की वर्कशीट्स में आपने क्या क्या किया था, गौर से देखिए। हम लोगों ने की थी तफहीम, ठीक है, तफहीम की थी हमने। क्या था तफहीम में? तस्वीर देख के आप लोगों को इन सवालात के जवाब देने थे, ठीक है। तस्वीर देख के इन सवालात के जवाब देने थे आपको। अब तस्वीर में क्या दिखाया गया था देखिए, तस्वीर में क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई मुसव्वरी कर रहा है, कोई दूरबीन से देख रहा है बच्चा, कोई झूला झूल रही है बच्ची, फुटबॉल खेल रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ ये यहाँ पे खेल हो रहे हैं, उसको देखते हुए आप लोग को क्या करना था, ये सवालात के जवाब देने थे, ठीक है। सही है, आप आ जाइए। अपनी नेक्स्ट चीज हम लोगों ने करी थी, अब सब आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, यस हो गया एडमिट सर जो जो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ये करा था, इसके बाद ये आगे सवालात थे, और फिर उसके बाद ये हमारी मश थी जो हम लोगों ने की थी। मश मीन्स प्रैक्टिस थी ये हमारी। आपने उसी में से, तस्वीर में से फेल और कुछ इसम चुनने थे और अंग्रेजी में इसको लिखना था, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने की थी, सही है। अभी जो एडमिट हुए हैं बच्चे वो सब देख लें कि मिस क्या पढ़ा रही हैं। यस, आज मिस आप सबको पूरे जीरो टर्म का रिवीजन करवा रही हैं, ठीक है। जीरो टर्म में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद आप लोगों को मिस क्या करवाएंगी आज, क्या बताएंगी, क्या समझाएंगी कि आप लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सब समझिएगा अच्छी तरह। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, खुद से कीजिएगा, बहुत इजी पेपर है आप लोगों का जीरो टर्म का। आज हमारी जीरो टर्म की लास्ट क्लास है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा आप लोग के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह रहेगा। दुआ करें कि बहुत अच्छे हालात हो जाएं तो हमारे स्कूल साफ करके खुल जाए, उसी तरह एक्टिविटीज कायम रहें आप लोगों की, ठीक है। चलें, ओके। अभी भी मिसने स्टार्ट किया, ये हमारी वर्कशीट थी पहली, हम लोग ने इस तफहीम करनी थी, तस्वीर देख के सवाल के जवाब देने थे आप लोगों। अच्छा, हम लोग ने एक और वर्कशीट की थी, साबके और लाहिके, ठीक है। सब रिवीजन करवा रही है मिस, आप लोग गौर से सुनिएगा। लेक्चर के दौरान कोई ऐसी बात भी मिस पूछ सकती हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, मावल साबित हो। इसमें क्या था, पहले सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तारीफ बताई गई थी, सॉरी, ये इस तरह तारीफ बताई गई थी। साबके, साबके से क्या मुराद है, ये तारीफ भी आप याद करेंगे। तारीफ, साबके क्या होते हैं, लाखे क्या होते हैं, ठीक है। सुन लीजिए सब, साफे क्या होते हैं, साफे से मुराद क्या था, मैंने बताया था ऐसी अलामत जो के लफ्ज से पहले लगती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साफे कहते हैं। और लाहिके क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, साबका, साबके साबका से निकला है, साबका मतलब होता है पहले, गुज़िश्ता। हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे साबका वजीर आजम ये थे, हमारे साबका वजीर आजम ये, हमारे साबका पड़ोसी मतलब हमारे पहले पड़ोसी, पुराने पड़ोसी पहले। तो इसका मतलब क्या होता है, साबके का मतलब होता है पहले। और लाहिके से क्या मुराद होते हैं, ऐसी अलामत जो के, वेट बिठा कर आप लोगों को तेज आवाज नहीं आ रही हो तो,
हाँ फुल है, ऐसी अलामत जो के लफ्ज के बाद में लगती है उसको हम क्या कहते हैं, लायके कहते हैं। आपको यहाँ चंद अल्फाज दिए गए थे, इससे सबको बनाने थे, ये अलामत हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे चंद अलामत दी गई थी अल्फाज, इसके लायके बनाने थे, ठीक है। हमने क्या बनाया था, अन अनगिनत, बा बावजू, बद बदनुमा, बे बे अदब, पाक पाक दामन, खाना दवा खाना, बावर्ची खाना, दान कदरदान, ये सारी हमने वर्कशीट की थी, ठीक है। रिवाइज हो गया उससे पहले, अभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया है सुन लीजिए, आज मैं रिवीजन करवा रही हैं आप लोगों को, और पेपर पैटर्न बताएंगे जीरो टर्म में कैसे करना है आपको। ये हमारी वर्कशीट थी, ये हमने तफहीम की वर्कशीट की थी, उसके बाद हमने साबके लाके। अब आइए दूसरी वर्कशीट में, हम लोगों ने क्या था, कौन सी की थी हम लोगों ने, हम लोगों ने की थी मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज से क्या मुराद है, ये देखिए बच्चों, डेफिनेशन भी जरूर देखिएगा क्या हमें इसके ऊपर लिखी है, मालूमात लिखी है। मुतशाबा अल्फाज को अंग्रेजी में होमोफोन्स कहते हैं। अच्छा, उर्दू जबान में बाज ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो कि बोलने में एक जैसे होते हैं तलफ्फुज में, लेकिन उसके मायने, उसकी मीनिंग बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सही है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और बाज ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो कि बोलने में एक जैसे होते हैं, लिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके मायने मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था जेर जबर, उसमें जेर जबर पेश अगर लग जाए तो वो मायनों में मुख्तलिफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आम आम, याद आया, असर असर। अगर आपको, अगर आपको ये दे दिया जाए, कोई तस्वीर दे दें, अभी आप लोगों ने की था मुतशाबा अल्फाज की, महावराओं की, अगर आपको कोई तस्वीर दे दी जाए कि आम और आम की, अब इसमें से मुतशाबा अल्फाज पहचाने तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये तस्वीर दे दी जाए, सब गौर से सुनिएगा बच्चों, अभी आप सवाल भी करेंगे मिस, बराए मेहरबानी, ये रिवीजन हो रहा है आपके लिए, जो एक पेपर होगा उर्दू का उस वक्त कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ना आप किसी से हेल्प लेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरह रिवाइज हो चुकी है हर चीज़ की, आपको माशाल्लाह से याद है, ठीक है। अब एक दफा और मिस रिवाइज करवा रही है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सही, ये खालिद खान ये कौन है, सही। और आपको अगर दे दी जाए कि मुतशाब तस्वीर दे दी जाए और कहा जाए कि मुतशाबा अल्फाज को पहचाने, और उस तस्वीर के मुतशाबा अल्फाज को पहचानने, सही। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक तस्वीर दे दी गई है आम की, खाने वाले आम फल, उसका मुतशाबा अल्फाज पहचानेंगे आप, आसान है, ठीक है। सही, अगर आपसे कह दिया जाए, जुमले बना दिए जाए, एक जुमला दे दिया जाए और उसके मुतशाबा अल्फाज से आपको उस जुमले को पुर करना हो तो वो भी आसान है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल ये आए, दोनों सदा लिखे हुए, अब एक जुमला है, अब उसमें से बताना है आपको कौन सा सदा फिट होगा, उसमें कौन सा सदा आएगा। वो मुझे सदा लगा रहा है, तो कौन सा सदा आएगा, स्वाद दार अलिफ सदा, ये वाला सदा आएगा, ठीक है। सही है, अगर आपसे कह दिया जाए कि मुतशाबा अल्फाज जुमलों के हिसाब से मुतशाबा अल्फाज पहचाने, सही। इतना आसान आप लोगों का मिसने बनाया है कि आप लोगों को पेपर करके, टेस्ट करके जो है, क्विज करके बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब हमने जो वर्कशीट की थी जीरो टर्म में, एक और जो वर्कशीट की थी वो ये की थी हमने, मुतशाबा अल्फाज और मुतजाद, याद आई बच्चों, की थी ना हमने वर्कशीट ये। अब इसमें क्या किया था, देखिए हमने ये किया था मुतशाबा अल्फाज को, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे ये दिया हुआ है ना आपको, यहाँ सदा सदा, अब इन दोनों में से चूज करना है कि इस जुमले में, दोनों जुमले में सदा सदा कहाँ फिट होता है, गौर से सुनिए सब बच्चों, ठीक है, सभी तवज्जो दें। इसके दौरान मिस जो बता रही है उसको जहन में रखिए, क्यों बेटा, जब आपके पेपर होगा, जब आपका एग्जाम होगा, प्लीज बेटा ये स्क्रीन पे रब कीजिए,
उसके पास नाम आ गया, फिर मिस कुछ नहीं समझाएंगी ना, पेपर पैटर्न बताएंगी काइंडली। अच्छा प्लीज काइंडली ख्याल रखें कि मिस पढ़ा रही हैं आप लोगों को, ये आप लोग का फायदा है जो रिवीजन हो रहा है, वरना बच्चा हमारा क्या। आप लोग से ये कहते हैं आप लोग लर्न कीजिए, है ना। ओके अब देखिए यहाँ बच्चों, आप लोग, हम लोग ने ये वाली वर्कशीट भी की थी। केस में क्या था, जुमले थे, जुमलों के को पढ़ते हुए आपको जो कोसेन, कोसेन क्या होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो मुतशाबा अल्फाज दिए हैं उसकी मदद से आपको पुर करने थे, सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मस्जिद से अजान की डैश आ रही है, कौन सा सदा आएगा, स्वाद दाल अलिफ वाला सदा आएगा, ठीक है, सही है। इसी तरह गर्मियों का फल डैश है, गर्मियों का फल क्या होगा, अलिफ मद आम मीम साकिन आम होगा, सही। डैश तौर पर गली में कच्चा दिखाई देता है, आम तौर पर एन अलिफ आम मीम साकिन आम, ये इस तरह इसने काम करवाया था आप लोगों को। अब इसका सवाल नंबर दो देखें, खाली जगहों को खत कशीदा, खत कशीदा क्या होते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स, प्रोमिनेंट जिसे किया जाता है, सही, उसके मुतजाद से आप लोगों को जो खाली जगह पुर करनी थी, ठीक है। मिसाल के तौर अमन डैश से बेहतर है, अमन, अमन का मुतजाद क्या होता है, मुतजाद से मुराद क्या होता है बच्चों, मुतजाद से मुराद होता है जिद, अपोजिट्स, ठीक है, मुतजाद से क्या मुराद होता है, जिद अपोजिट्स, उलट, उलट लिखेंगे, अमन का उलट क्या है, जंग, तो अमन जंग से बेहतर है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को क्या बताया था, हम लोगों ने क्या किया था, वो दिन मेहनत करता है, दिन में खत कशीदा अल्फाज है, इसका मतलब दिन का अपोजिट लिखना है, तो दिन का मुतजाद क्या होता है, उलट क्या होता है, रात, वो दिन रात मेहनत करता है, सही आया समझ में। बादशाह ने डैश को बहुत सारी अशरफियां दी, मतलब बादशाह ने फकीर को, बादशाह का जिद उलट क्या होता है, फकीर होता है, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को, याद आया, हम लोगों ने ये वर्कशीट की थी। अब आइए दूसरी वर्कशीट पे, ये वाली, ये वाली वर्कशीट पे आइए आप, ये है महाभारत की वर्कशीट, सही, हम लोग ने ये महाभारत किए थे। अब देखिए बच्चों जरा गौर सुनिएगा, अब आपको महाभारत दिए हुए ना, है ना, या तो महाभारत आप पूरे अच्छी तरह याद करेंगे सब, या तो महावरा इस तरह आ सकता है कि तस्वीर देखनी है और आपको महावरा पहचानना हो, या तो इस तरह आ सकता है मायने दिए हुए हो और महावरा पहचानना हो, या तो इस तरह आ सकता है कि आपको महावरा दिया हुआ हो मायने पहचानना हो, या तो इस तरह आ सकता है कि जुमला दिया हुआ हो और उसको सही मायने से पुर करना हो। आप लोग का महावरों का टेस्ट लिया था ना, याद है, टेस्ट किया था ना आप लोग, क्विज किया था महावरात का, है ना, महावरात का और मुतशाबा अल्फाज का मिस ने क्विज लिया था, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी करवाई थी, सही है। एक दफा मिस और रिपीट कर रही हैं, सुन लीजिए, महावरात की वर्कशीट आपको अच्छी तरह मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हो सकता है कि शायद तीन तरीकों से, चार तरीकों से मिस दे सकती हैं आप लोगों को, हर तरह के तैयार रहना है, तस्वीर देख के मुहावरा पहचानना हो, या तो आपको मायने दिए हो मुहावरा पहचानना हो, या तो आपको मुहावरा दिया हुआ हो उसके मायने पहचानने हो, या तो जुमला दिया हुआ हो उसको मुहावरे पहचानने हो, उस जुमले को मुकम्मल करने के लिए सही मुहावरे से पुर करना हो। ये सारे सारे काम आप कैसे करेंगे, अब मिस आपको बताती हैं, आप सिर्फ लर्न कर लीजिए अच्छी तरह वर्कशीट्स को, डेफिनेशन सारी वर्कशीट ये आप सब लर्न कर लेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये तो प्रैक्टिस करवाने के लिए मिस ने दी थी ना आप लोगों को वर्कशीट, पहला था एक मुहावरा है डैश छेड़ना, जिक्र ये अल्फाज, तो सही मुहावरों से चूज करके यहाँ लिखना था, ये था जिक्र। नंबर दो था आए डैश आए दिन, नंबर तीन क्या था डैश सुनाना बातें सुनाना, दोनों से सही अल्फाज चूज करके लिखने थे यहाँ पे। चेहरा डैश होना, चेहरा उतर जाना,
नंबर 5 डैश होना, तमाम होना, तमाम मतलब वो क्या होता है, खत्म हो जाना। खैर डैश देना, खैर खबर लेना मतलब कि आपकी खैरियत लेना। नंबर 7 डैश हारना, हिम्मत हारना मतलब कि आप किसी चीज से हिम्मत हार जाएं, लूज कर दें अपने आप को, क्विट कर दें। ठीक है, अब आप लोगों को इसी यही मश दी गई थी कि ऊपर जो मुहावरा दिए हुए हैं उन्हीं की मदद से आप लोगों को क्या करना था, ये खाली जगह को पुर करना था। सही, नंबर एक, हमारे मुल्क में डैश बिजली का बहरान रहता है। बहरान मतलब क्या होता है, किल्लत। आजकल आप देख रहे हैं बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग है, पानी का बहरान होता है, किल्लत होती है, कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, हम बहरान कहते हैं। ठीक है, सही। तो ऊपर जो दिए हुए हैं महावरात, अभी हा वेट बेटा वेट, अभी किसी के में सवाल नहीं लेंगी, पहले मैं समझाने उसके बाद आप लोगों के में सवाल लेंगी काइंडली। अच्छा, यहाँ था हमारे मुल्क में डैश बिजली का बहरान रहता है मतलब क्या हुआ, आए दिन। सही, नायला ने अब्बू का डैश कर सबको रुला दिया, जिक्र छेड़कर। जिक्र छेड़कर मतलब क्या क्या है, उनकी बात करके। सही है, अच्छा अब ये क्या है, हमारे रिश्तेदार कभी कभी हमारी डैश पूछने आ जाते हैं, मतलब क्या है, खैर खबर पूछने आ जाते हैं। ठीक है, याद है ये वर्कशीट की थी हमने। अब उसके बाद दूसरी वर्कशीट हमने ये की थी कि आप लोगों को ऊपर ब्रैकेट, आप लोगों को ऊपर ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर मुहावरात दिए हैं, उन मुहावरात की मदद से इन खाली जगहों को पुर करना है, पुर करना था। अब इनके मायने देख लीजिए बच्चों, गौर से सुनिए, मायने में से लिखवाए भी थे आप लोगों को। आग बगोला होना मतलब कि बहुत गुस्सा होना। आग बगोला होना मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। अपने मुंह मियां मिठू मतलब कि अपनी तारीफ खुद करना। अपना सा मुंह लेके रह गया मतलब शर्मिंदा हो गया। काम तमाम होना, काम खत्म होना। मैंने उसका काम तमाम कर दिया, बहादुर लड़कों ने डाकू का काम तमाम कर दिया मतलब कि किस्सा खत्म कर दिया। किताब का कीड़ा होना मतलब कि बहुत पढ़ना, हर वक्त पढ़ते रहना। जो बच्चा पढ़ता है ना उसको कहते हैं किताब का कीड़ा होना। आपे से बाहर होना, गुस्से से बेकाबू हो जाना मतलब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो क्या कहते हैं, आपे से बाहर होना। पानी पानी कर दिया, पानी पानी कर देना, शर्मिंदा कर देना। फूले ना समाना, खुशी से फूले ना समाना मतलब कि आप बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो और आप उस खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, फूले ना समाना। ठीक है, अभी हमारी वर्कशीट हो गई। उसके बाद हमने मुतजाद की भी एक वर्कशीट की थी, वो थी आप लोगों को मुतजाद अल्फाज बताने थे, मुश्किल आसान। ठीक है, याद आया, दुनिया आखरत, दुनिया का क्या था, आखरत ही। देखते हैं वर्कशीट इसके पास है या नहीं। हाँ वर्कशीट है नहीं इसके पास, अभी आप लोगों के पास है वर्कशीट, वो हमने की थी। हमने मुतजाद अल्फाज भी किए थे जिसने आपको करवाए थे, उसको भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। या तो तस्वीर के जरिए आपको उसके मुतजाद पहचानने होंगे, या तो आपको जुमलों के जरिए उसके मुतजाद पहचानने होंगे, क्योंकि आप लोग को दोनों तरीके से हम इसने करवाए हुए हैं। नीचे आपको वर्कशीट में खाली जगह भी दी हुई है। ठीक है, सही है। अब आप लोग सब सुन लीजिए, सबके सवालात में सभी लेती हैं, जरा रुक जाइए, क्लास भी एंड होने का टाइम है, ये जरा इम्पोर्टेंट है आज बहुत पढ़ना। आप लोग का पेपर पैटर्न क्या है सब सुनिए, क्विज जैसा आप क्विज करते हैं वैसे है। आप लोगों का पूरा पेपर 50 मार्क्स का है, उसने पहले बताया था आपको। कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। 20 मार्क्स उसमें आपके क्विज के हैं, वो वाले क्विज जो 0 टर्म के दरमियान आप लोग से क्विज लिए गए थे। ठीक है, आप लोग के उर्दू के 3 क्विज हो गए, उसमें जो बेस्ट मार्क्स होंगी मिस वो उठाएंगी। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कैसा पेपर होगा सुन लीजिए, 25 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म पे होगा, 25 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म पे होगा। उसी तरह आपको
ऑप्शंस दिए हुए, सवाल दिए होंगे, ऑप्शंस को सही ऑप्शन को टिक करना होगा, ठीक है? सही। अब 5 मार्क्स रह गए, 5 मार्क्स का क्या होगा? आपका ऐसे होगा, 5 मार्क्स का क्या होगा? मजमून होगा उर्दू में। वो किस तरह करना होगा? आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती है, आप किस तरह करना होगा सब गौर से सुनिए, काइंडली, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जिस दिन आपका पेपर होगा पोर्टल पे, आप लोगों को उसी दिन एक उनवान दे दिया जाएगा उर्दू का, मजमून का, कोई सा भी उनवान। उस उनवान को आपको देखना है, किसी भी पेज पे उस मजमून लिखना है, और उस मजमून को लिखकर उसकी पिक्चर पोर्टल पे पेस्ट कर देनी है और सेंड कर देनी है, ठीक है? फिर वो इसके पास आ जाएगी, मुझे उसको चेक करेंगी और आप लोग को वो नंबर शामिल कर लेंगी। पोर्टल किसे कहते हैं? हम यूनिवर्सिटी को कहते हैं। यूनिवर्सिटी पे, ओके दानिश वेट, यूनिवर्सिटी पे आप लोगों को क्या दिया जाएगा बेटा? जिस दिन पेपर होगा आपने उस दिन एमसीक्यूज कर लिए, इट्स ओके। उसके बाद उसी दिन का टाइम है आपके पास, आपने अपना पोर्टल खोला, उस पोर्टल को खोलने के बाद आपने एक मजमून दिया जाएगा आप लोगों को जीरो टर्म के हवाले से, वो मजमून का अनुमान लेना है, आपको पेज पे लिखना है फौरन से उसी दिन ही, और वो उसकी पिक्चर लेके आप पोर्टल पे पेस्ट कर देंगे। वो 5 मार्क्स का होगा। आप लोग होमवर्क सबमिट करते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि वो उसी दिन का टाइम है, क्योंकि उसी दिन पेपर है आपका। अच्छा, सबसे पहले सवाल अभी है, आप पूछिए। यस टीचर, जो आपने हमें ये वाली वर्कशीट करवाई थी टीचर, महाभारत की वर्कशीट, तो टीचर उसके अंदर 7 वाला सिद्धरथ की चोली पकड़ी गई तो वो डैश हो गई, तो वो पानी पानी हो गई, शर्म से पानी पानी हो गई। टीचर पानी पानी 2 दफा आया, क्योंकि 7 के बाद उन्होंने हम सबको पानी पानी कर दिया। हाँ, कोई मसला नहीं बेटा, 2 दफा भी आ सकता है। अच्छा नहीं, सिद्रा की चोरी पकड़ी गई तो वो अपना सा मुंह लेके रह गई, ठीक है? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके दानिश, ओवर टू यू। मैं सर ये पूछ रहा था कि जो हमारा अनुमान होगा हम लोगों को कितनी देर पहले मिल जाएगा पोर्टल पे? अच्छा, अनुमान जो होगा, जो आपके पेपर की टाइमिंग होगी ना, उस वक्त में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आपके पास, और वो उनवान कब? उसी दिन सबमिट करवाना होगा? जी, पेपर के टाइम उसी दिन ही सबमिट करवाना होगा आपको, सही है? ओके, टाइमिंग उसने दी है। यस सिनान। टीचर हमें क्या पेपर के टाइमिंग्स में वो करना है मजमून? जी, पेपर के टाइमिंग नहीं, मिस थोड़ा सा आप लोग के लिए मार्जिन रख रही है, तो एक दिन में 2 पेपर होंगे, उस दिन तक टाइम होगा आपके पास। जिस दिन पेपर की टाइमिंग स्टार्ट है हमारी 10 बजे से, 10 बजे आपके पास पोर्टल पे वो उनवान आ जाएगा, उस रात 10 बजे तक आपके पास टाइम होगा पूरे 12 घंटे का। लेकिन वो ये एक शर्त है, उसी दिन सबमिट करवाना है, अगले दिन कोई व्हाट्सएप पे ना दे बेटा हमें, काइंडली। यूनिवर्सिटी पे आएगा, जी, ठीक है? इंग्लिश का भी ऐसे ही होगा, उर्दू का भी। इसमें एम एस जैनब ने आपको अपना पैटर्न समझा दिया होगा, उर्दू का पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। यस रिजा। टीचर इस बार बैटबाजी का मुकाबला होगा आज? नहीं। अच्छा बेटा, अभी हम टाइम देखते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, अगर नहीं हो सका तो कोई बात नहीं है, जब हमारा 0 टर्म के बाद क्लास स्टार्ट होंगे हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे दोनों टीम इक्वल रही है, बहुत अच्छा खेला, लेकिन दानिश की टीम सुपीरियर इसलिए रही कि आपकी टीम में से माइनस तो डिटेक्ट हो गए थे नंबर इस वजह से, लेकिन दोनों टीम हमारे लिए इक्वल है, सही है? ठीक है रिजा, दानिश, सब पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा प्ले किया है, सही है? अब आप पेपर पैटर्न समझ गए सब? Yes. किसी को और? वेरी गुड। किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? यस फातिमा। मैं सर, मैं क्लास के टाइम ही गूगल फॉर्म पे करना होगा? जी हाँ, देखिए आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा 0 टर्म का, उसमें टाइम्स भी लिखी होंगी ऊपर, जिस टाइम पे पेपर होगा उस टाइम पे आपको लॉगिन होना है, उसी टाइम पे ही आप लोगों को अपना गूगल फॉर्म पे पेपर करना होगा 25 मार्क्स वाला, और 5 मार्क्स का जो है आपको मजमून जो होगा पोर्टल भी दिया, उसी दिन आपको सबमिट करवाना होगा पेपर के बाद।
अगर आप चाहें तो पेपर आपका जल्दी डन, क्योंकि एक घंटे का पेपर है बेटा, एक घंटे का, और वो गूगल फॉर्म में इतना आसान है कि आप 20 मिनट्स में कर लेंगे, 20 मिनट्स में कर लेंगे आप। तो आप उसके बाद अपना उनवान लिखिए, आपने डन कर लिया है मिस को बता दीजिए, अपना उनवान लिखिए मजमून का और सबमिट करवा दीजिए। वैसे ये है कि 2 घंटे का टाइम देना है आप लोगों को, लेकिन उसके बाद मिस ने ये ऑप्शन रखा है कि आप पूरे दिन आप करके दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपको खुद लिखना है, कोई हेल्प नहीं लेंगे नेट से किसी चीज से भी। प्लीज मिस आप पे ट्रस्ट करती हैं, आपको यकीन, आप पे यकीन है मिस को कि आप लोग खुद करेंगे काम। यस यस अभिहा, और किसी को कोई सवाल नहीं पूछना? हुमैरा, असगर, मुहावरे वाली वर्कशीट की हमारी महावरात का इस्तेमाल, तो टीचर उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके अंदर आपने बोला डैश होना, तमाम होना, तो टीचर उसके अंदर ये भी आ सकता है प्यासा होना? नहीं नहीं, तमाम होना आएगा, प्यासा होना नहीं आएगा, तमाम होना, ठीक है, ये महावरा है ना इसलिए। ओके थैंक यू मिस, जज़ाकअल्लाह बेटा। यस दानिश, मिस मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जो पेपर जब हो जाएगा और हम लोग सबमिट कर देंगे तो हम लोग अपने मार्क्स देख सकेंगे या नहीं? मार्क्स नहीं व्यू कर सकेंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि मार्क्स कंबाइन करके आना है बेटा, ठीक है? क्या वो आप लोग कंफ्यूज ही रहेंगे फिर, क्योंकि आपको 30 मार्क्स जहन में होगा ना आपके, वो मजमून बाद में मिस चेक करेंगी, फिर उसको ऐड करेंगी, फिर आप लोग उस पर टेस्ट मैनेजमेंट में डाल देंगे, ठीक है? डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद है बहुत इजी आप कहेंगे, आप सकते हैं, इतना इजी आपने टेस्ट दिया हुआ था इनको, जो गूगल में है आप लोगों को तो उर्दू का तो इतना आसान है, सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना होता है आप लोगों को, टाइपिंग थोड़ी होती है बेटा। नेक्स्ट क्लास का क्लास टाइम स्टार्ट हो गया। यस ज़ैनब, जल्दी से पूछिए सवाल। टीचर मैं कह रही हूं कि मुझे मुझे नहीं आता, तो मुझे आप कहना कि उनवान लिया जाएगा वो लिखना होगा, आप बता देंगे कैसे लिखना? मज़मून आपको लिखना है आपको बेटा? अच्छा, मजमून अवेसी कैसे करते हैं? कोई भी उनवान दिया जाएगा उस पर आपको मजमून लिखना होगा, ठीक है ज़ैनब? अगर आपने क्लासेस नहीं ली है तो आप जाइए पोर्टल पे, वहाँ पे अपलोड हुई हुई वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, उसको देखिए, वहाँ पे मिस की एक मजमून अवेसी की वीडियो है, आप उसको यूट्यूब पे जाइए सर्च कीजिए, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ज़ैनब? और आप ना जरा पर्सनली मिस को मैसेज कीजिए, हम सबको समझा देंगे, इससे ना क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। जी तो मिस लाइबा का मैसेज आया कि जॉइन द क्लास। जी जी बेटा, मिस आप लीव ही कर रही हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।